ज्ञान यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। चलिए आरंभ करते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे डीजीपे को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना। तो दोस्तों जब भी आप कभी डीजीपे का लेटेस्ट वर्जन चाहते हैं और आपको पता नहीं है कौन सा लेटेस्ट वर्जन चला हुआ है और उसको कैसे जो है इंस्टॉल करना है, तो इस वीडियो को आपको पूरा तक देखना है ताकि आप ये पूरा प्रोसेस समझ सके। तो चलिए दोस्तों कोई भी आप वेब ब्राउजर अपने कंप्यूटर में ओपन कर ले, उस पे आपको सर्च करना है डीजीपे सीएससी क्लाउड। जब आप डीजीपे सीएससी क्लाउड सर्च करेंगे तो आपके सामने पहली ही वेबसाइट आएगी djpe.csccloud.in। तो आप इस वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, पहली ही बटन जो डाउनलोड डीजीपे का दिख रहा है आपको, आपको सिंपली इस पे कर देना है क्लिक। अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो डीजीपे का चल रहा है विंडो के लिए वो है 4.6। तो आप आने वाले टाइम में ये चेंज होते रहते हैं, तो आप जब भी इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ही मिलेगा। तो चलिए अभी का लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 4.6, तो इसको कर लेते हैं हम विंडो के लिए यहाँ से डाउनलोड, और एंड्रॉयड वर्जन के लिए यानी फोन के लिए आप कर सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों इसके लिए कुछ डिपेंडेंसी भी होती है, तो अगर आपके कंप्यूटर में सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप यहां से नेट फ्रेमवर्क और दूसरी फाइल जो होती है रीडिस्ट्रीब्यूटल फाइल, ये दोनों फाइल्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप हमारे कंप्यूटर में इसकी जरूरत है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो हम कर लेते हैं डीजीपे को डाउनलोड। तो चलिए दोस्तों हमारा डीजीपे हो गया है यहाँ पे डाउनलोड, अब हम इसको करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फोल्डर ओपन होके आएगा, क्योंकि ये जिप फाइल डीजीपे सेटअप 4.6.exe फाइल जो है उस पे आपको डबल क्लिक करना है। इसको डबल क्लिक करने के बाद आपकी प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पे इंस्टॉलेशन की स्टार्ट। तो सिंपली आप कर देना है यहाँ पे यस। यस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, आप इसको नेक्स्ट, यहाँ पे आप फोल्डर चेंज कर सकते हैं पर मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने दें और यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट कर दें। उसके बाद आता है कि आप इसका डेस्कटॉप आइकन आइकन और स्टार्ट मेनू फोल्डर भी बनाना चाहते हैं तो आप इन दोनों पे भी टिक रहने दें और यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद एक बार दोबारा आप जब नेक्स्ट करेंगे तो ये जो है आपका इंस्टॉल होने लग जाएगा आपके कंप्यूटर में। तो दोस्तों अभी हम इसको कर देते हैं यहाँ पे फिनिश। फिनिश करने के बाद आप अपने डेस्कटॉप पे आए तो डेस्कटॉप पे आपको डीजीपे का आइकन दिख जाएगा। तो दोस्तों डीजीपे को ओपन करने से पहले आपके पास होनी चाहिए एक फिंगरप्रिंट डिवाइस और उसके ड्राइवर होने चाहिए आपके पास इंस्टॉल। तो चलिए हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम सिंपली इस पे डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने भी डीजीपे का इस तरह का एक इंटरफेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने मॉर्फो के डिवाइस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिए हैं। थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद ये सर्वर से आपकी कनेक्टिविटी चेक करेगा, तो आप जब भी इसको ओपन करें तो अपना इंटरनेट भी ऑन रखें ताकि ये सर्वर को कनेक्ट कर सके। तो दोस्तों सर्वर को कनेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम इसमें करनी होती है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिंपली यहाँ पे अपना सीएससी आईडी और उसके बाद ओटीपी के लिए आपको तीन विकल्प होते हैं। एक ओटीपी होता है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है सीएससी आईडी में और रजिस्टर्ड ईमेल है आपके सीएससी आईडी में और एक सीएससी ऐप पे। तो चलिए दोस्तों उसके बाद जब आप यहाँ पे सीएससी आईडी डाल लें उसके बाद एक ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लें जिसपे आपको ओटीपी चाहिए, उसके बाद आपने क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन की डिक्लेरेशन पे और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड कर दें। तो चलिए हम कर लेते हैं फटाफट ये वाली प्रोसेस कंप्लीट। तो दोस्तों इसके बाद आपकी आती है यहाँ पे ओटीपी डालने की प्रोसेस अथेंटिकेशन की। तो आप सिंपली आपकी सारी डिटेल चेक कर ले, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे टिक करना है और अथेंटिकेट के बटन पे क्लिक कर देना है। अथेंटिकेट के बटन पे क्लिक करके आपको अपना फिंगरप्रिंट अपनी डिवाइस पे लगाना है, उसके बाद अथेंटिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपका रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आप इस पूरे सॉफ्टवेयर को क्लिक क्लोज बटन दबाकर आप जो है इसको क्लोज कर दें और उसके बाद इसको रीस्टार्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों रीस्टार्ट एप्लीकेशन का टैब आ गया, आप इसको सिर्फ ओके कर दें रीस्टार्ट। तो दोस्तों आपने ये पूरा प्रोसेस आप इंस्टॉलेशन और रजिस्ट्रेशन का समझ लिया होगा। अब इसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन करनी होती है आपके डीजीपे में और उसके बाद आप सिंपली जो है पेमेंट
कर सकते हैं। तो देखिए, देखते हैं ऑथेंटिकेशन का क्या प्रोसेस रहता है और कैसे आप जो है पेमेंट कर सकते हैं डीजीपे से। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, यूजर ऑन बोर्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना CSC ID डालना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करके अपनी फिंगरप्रिंट स्कैन करनी है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे दोबारा जो है ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस होगी। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर अपने आप जो है OTP जनरेट करेगा। वो OTP आपके मोबाइल पे आएगा और उसके बाद जो है आपने इसमें OTP डाल के लॉगिन कर लेना है। तो देखिए OTP हो गया जनरेट। जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे तो आपके यहाँ पे एक OTP डालने का टैब आ जाएगा। उसके बाद आप उसमें OTP डाल के इसको वैलिडेट OTP को वैलिडेट कर लें। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने गेट OTP ऑन मोबाइल पे क्लिक करा और जनरेट OTP के लिए क्लिक करा, तो OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड नंबर, जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पे OTP चला जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे OTP डाल देना है। चलिए अब हम यहाँ पे कर देते हैं वैलिडेट OTP। OTP डालने के बाद आप इसको वैलिडेट कर दें। OTP वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अब आप इसको सिंपली यहाँ पे क्लोज दबा दें। जैसे ही आप क्लोज दबाएंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है दोबारा लोडिंग लेना स्टार्ट कर देगा। तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। जैसे ही ये ऑटोमेटिक प्रोसेस रहता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे सॉफ्टवेयर कनेक्ट होता है सर्वर के साथ और जो है ये पूरा डीजीपे का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा कनेक्टिंग के बाद। तो आप देख रहे होंगे ये डीजीपे का सॉफ्टवेयर जो है कनेक्ट हो गया है। तो आप देख रहे होंगे डीजीपे का सॉफ्टवेयर अब हो गया है कनेक्ट। अब यहाँ पे आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें जो भी बैलेंस वगैरह होगा। उसके बाद विड्रॉ के लिए आपको विड्रॉ की टैब पे क्लिक करना है। कस्टमर का बैंक सिलेक्ट करना है। यहां से आप जो भी उसका बैंक होगा कस्टमर का, वो बैंक सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे कस्टमर का आधार कार्ड या वर्चुअल आईडी। तो दोस्तों उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक सिंगल टिक करना है और स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे और कस्टमर का फिंगरप्रिंट अपनी डिवाइस पे ले लेना है। उसके बाद जो है आप यहाँ से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे बैलेंस का है दोस्तों। बैलेंस के लिए भी आपको बैंक बैंक का नाम चूज करना है, किस बैंक में अकाउंट है कस्टमर का, कस्टमर का आधार नंबर और यहाँ पे डिक्लेरेशन टिक करने के बाद स्कैन। और यहाँ पे होता है दोस्तों मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट में भी सेम प्रोसेस है, बैंक नेम, आधार नंबर, डिक्लेरेशन पे टिक और स्कैन फिंगर। और एक ऑप्शन होती है दोस्तों पे आउट की। पे आउट में होता है जो भी आपका इसमें डीजीपे में बैलेंस है, वो बैलेंस आप चाहते हो कि मेरे अकाउंट में आ जाए। अकाउंट वो होता है दोस्तों जो आपका CSC ID से लिंक होता है। तो आप सिंपली यहाँ पे अपनी CSC ID डालें, यहाँ पे अमाउंट डाल के नेफ्ट पे क्लिक करके डिक्लेरेशन और स्कैन फिंगर, तो वो आप यहाँ पे पॉपअप शो होगा जिसमें वो रिक्वेस्ट ले लेगा सर्वर और आपका अमाउंट जो है आपके खाते में आ जाएगा इस प्रोसेस से, पे आउट की प्रोसेस से। उसके बाद दोस्तों एक पासबुक का फीचर होता है। पासबुक के फीचर में जो भी आपने डेली का लेजर बैलेंस लेजर करा होगा, यानी विड्रॉ या डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, अगर आप डीजीपे मोबाइल ऐप चलाते हैं तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर जो आपने किया होगा उसकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ सकती है। अगर आपकी यहाँ पे डिटेल नहीं आ रही है और आपने करा है कोई ट्रांजेक्शन करी है, तो आप यहाँ पे सिंपली सिंक्रोनाइज कर सकते हैं दोबारा अपनी ट्रांजेक्शन को लोड करने के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें, ताकि आप पाए हमारे वीडियो सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।